जय हिंद विद्यार्थियों आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है तो विद्यार्थियों कक्षा दसवीं तिमाही परीक्षा सलेबस दो हज़ार चौबीस पच्चीस तो यहाँ पे मैं विज्ञान का लेकर आ चुका हूँ जो कि तिमाही परीक्षा में आपको कौन कौन से पाठ आने वाला है और कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है जो कि आपको तिमाही परीक्षा में आ जाए जो कि आपके पास टाइम भी बहुत कम है आपका तिमाही परीक्षा है इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको जैसे कि सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश संस्कृत आपको मैथ इन सभी का आपको वीडियो अपलोड है तिमाही परीक्षा सिलेबस का इस वीडियो के कमेंट में जा करके वीडियो देख लेना और उसे तैयार कर लेना और नोट कर लेना क्या क्या तिमाही परीक्षा में आने वाला है आपको यहाँ पर साइंस का देख सकते हैं क्या क्या आने वाला है इस विषय में मध्य प्रदेश एम बोर्ड में आपको तिमाही परीक्षा सिलेबस अध्याय एक आपको आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय दो अम्ल चारक एवं लवण अध्याय पाँच जैविक प्रकरण अध्याय छः आपको नियंत्रण एवं समन्वय इसके बाद अध्याय छः के तो बाद अध्याय आपको नौ आएगा जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय दस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संचार ये और इसके बाद अध्याय तेरह आ जाएगा हमारा पर्यावरण ये आपको पाठ आने वाला है जो कि आपको तिमाही परीक्षा में इसके बाद प्रायोगिक कार्य कोई भी एक परियोजना आपको कार्य तैयार कर लेना है जो कि आपको एग्जाम में आएगा कोई भी अपने मन से कर सकते हो अपने टीचर से संबंध लगा के और अपना पूछ सकते हो कौन सा आप करूँ इस तरीके से या तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम में तो चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो तब तक के ले जाइए